गाओ शुरू किया जाए। अरे गाओ ना। बस मैं रेडी हो गई हूँ, फिर हम निकलते हैं। और मैंने जींस टॉप एंड बूट्स कैरी कर रही हूँ, तो यस बस निकलते हैं जल्दी से। थोड़ा सा मेकअप करूँगी बस, काश ही घर में ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, बाल ठीक कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। So sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down. Okay, so मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी जा रहे हैं हम निकिता के पास, मतलब मेरी फ्रेंड के पास, एंड देन मिलते हैं उससे, बिकॉज बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत मिली नहीं हूँ। लास्ट टाइम मैं उसे ऋषिकेश में मिली थी, वो भी आई थिंक एक साल से ऊपर हो गया। सो अभी हम जा रहे हैं उससे मिलने, मस्ती करेंगे उसके साथ एंड मिलेंगे उससे। लेट्स गो, आई एम एक्साइटेड। इतने दिनों बाद उससे मिलने का मौका मिल रहा है। मौका नहीं, बेचारी बहुत बुलाती है, मैं जा नहीं पाती बिकॉज मैं घर आके ना कहीं जाना पसंद नहीं करती ज़्यादा घूमना, तो अभी इसलिए सभी चलते हैं। और मैंने जीन्स टॉप कैरी की है, नॉर्मल और जैकेट कैरी करूँगी बिकॉज ठंड बहुत है बाहर। तो चलो चलते हैं। तो भैया अरे मैंने सोचा था स्कूटी पे मेरी कॉल मिल रही है ना, है ना। अभी हम तीनों फिर से साथ में घर कब जा रही थी दिल्ली दो को। ये कौन आया? चलो पिक करने आ रखा है। अभी ना आया है, पता है मेरे को फोन करके बोल रहा है कहाँ पहुंची तू। मैंने कहा निकल गई घर से, तो अब मैं नहाने घुसता हूँ। चल के नहाने घुसता हूँ चल। बाय आंटी, बाय। और मोटा तो अभी हम जा रहे हैं घर सारे वापस। हमने खाना पीना भी हमारा हो चुका है, हमने यहाँ बहुत सारा खाया है। उतना टेस्टी था ना यहाँ के, खासकर तंदूरी मोमोज बहुत ही टेस्टी थे। तंदूरी मोमोज की तारीफ कर रही हूँ मैं, आप भी करोगी कुछ? बहुत अच्छे, मजा आ गया। हट जाओ, पहले बाइक मार देगा ना। तो इतने क्रिस्पी थे ना कि बस, इसलिए हमने आपको दिखाए भी नहीं क्योंकि मैं भूल गई उसको ब्लॉक करना। फोटो दिखाएंगे, हाँ फोटोज डाल दूंगी मैं लास्ट में। पर बहुत ही बढ़िया मजा आया, इतने दिनों बाद सबसे मिले, कितने टाइम बाद तीनों साथ में थे हम। सूर्यांश का तो बहुत बार देखा ही होगा, तो साथ ही रहता है कभी ज्यादातर पर ये महारानी हमारी बहुत कम आती है। अभी हम जा रहे हैं घर, मम्मी के लिए थोड़ा सामान लेना है और हमें थ्रेडिंग भी कराएंगे। अभी थोड़ा सैलून जाएंगे, थ्रेडिंग वेडिंग कराएंगे एंड देन घर जाएंगे। तो बाय। हाँ देख भी नहीं रही है। This is so beautiful. Stay beautiful. As always. सभी निकिता की थ्रेडिंग चल रही है, फिर हम करवाएंगे। पर अभी उसमें टाइम है, देखते बैठे बीच करेंगे बीच। असू आ गए, इतना दर्द होता है भाई, सभी चीजों में वो देख, वो है चीता। उसने ये थोड़ी ना कराई है, इसमें दर्द नहीं हुआ मेरे। देना बाहर बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है, मैं आज इसलिए जिम भी नहीं गई हूँ, सीधे घर आ गई। इतनी बदतमीज हो गई हो ना भाई, इसे बिल्कुल बोलना बोलना बंद कर दो, इसे रहने दो यार। ऐसी बिल्कुल फर्क नहीं होता, इसने दीवार का क्या कर दिया पूरा खा खा के। ये देखो, ये देखो, ये महारानी का काम है सारी। अरे धक्का दे दिया,
सारी दीवार खा गई है। कितनी बुरी तरीके से खाया है भाई साहब इस लड़की ने। रो ऐसी बाय। बस आज का दिन ऐसे ही रहा, फ्रेंड से मिली और सबसे पहले मैं मॉर्निंग में गई थी हॉस्पिटल बिकॉज फैमिली में भाभी जो है मेरी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। फिर घर पे आ गए, फिर घर आई तो फ्रेंड के पास गई, फिर मम्मी को भी हॉस्पिटल जाना था, उनके पैर की आज एक्सरे होना था। नॉर्मल है बोला है, 70% जुड़ चुकी है हड्डी, थोड़ी अभी 30% रह गई है पर पैर अभी नहीं टेकना है, थोड़ा थोड़ा अगर टेकना चाहती है टेक सकती हैं। उसके बाद मैं चलेगी फिर फ्रेंड से मिलने एंड देन घर आ गई और फिर घर आके देखा जोई पूरा कीचड़ में गया। मम्मी का फ़ोन आ गया था मेरे पास वही कि जोई नहीं मिल रही, जोई नहीं मिल रही। मैंने कहा क्या हो भाई, तो इसके चक्कर में मैं जिम भी नहीं गई क्योंकि ठंड भी थी, ऊपर से जोई भी नहीं मिल रही थी, मुझे टेंशन हो गई थी कि जोई नहीं मिल रही, अब देखना पड़ेगा। बट जब तक मैं आई तब तक मिल चुकी थी जोई, पर पूरा भी देखा जैसे कि वो पूरी कीचड़ में हो चुकी है, गंदी हो रखी है वो। फिर कल नहलाना पड़ेगा, अभी तो नहीं, अभी ठंड हो रही है तो अभी नहीं नहला सकती हूँ। अभी सोची उसके ड्रायर मार देती हूँ, थोड़ी सूख जाएगी। सो बस आज के लिए इतनी, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आज हो सकता है जल्दी सो जाऊँगी शायद, उम्मीद है क्योंकि मैं कभी जल्दी नहीं सोती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, लव यू।